सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अविष्कार सिंह पर यार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन हियर टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलो। तो ब्रो, आज के टाइम में फैशनेबल कौन नहीं देखना चाहता। ऑब्वियसली बात है भाई, सब देखना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात भी फैशनेबल देखना, एक पब्लिक में अलग स्टैंड आउट करना। लेकिन यहाँ पे गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि लोग प्रिंटेड टी शर्ट ले लेते हैं फंकी, जैसे अपना टाइम आ गया बाबा जी का ढोल लो मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया जैसी टी शर्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपना मेन टॉपिक क्या है कि मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि आप अपने मतलब बेसिक एक वार्डरोब को कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या वो एसेंशियल चीज़ें लगेंगी अपने एक वार्डरोब को सेटअप करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एसेंशियल, दैट इज़ टी शर्ट्स। तो भाई सबसे पहले आप मनी वेस्टेड टी शर्ट लेना बिल्कुल छोड़ दे, अपना टाइम आ गया वगैरह फंकी टी शर्ट्स वगैरह को बाहर फेंको और अपने वार्डरोब में सबसे पहले बेसिक टी शर्ट्स को अंदर लेके आओ, जैसे वाइट, ब्लैक, ग्रे और नेवी ब्लू। क्योंकि इन टी शर्ट्स के साथ क्या रहता है कि आप इनको सबसे ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, हर एक आउटफिट के साथ चली जाती है और ये कभी भी किसी को मालूम नहीं चलता है कि ये आपने नई है या पुरानी है या आपने दोबारा पहनी है। इसकी ये खासियत बात है, तो इसे ज़रूर लें। सेकेंड एसेंशियल ऑन लिस्ट आर शर्ट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप एक कैजुअल शर्ट और एक डेनिम शर्ट ले लीजिए, क्योंकि आप इनसे सबसे ज़्यादा स्टाइलिंग आउटफिट बना सकते हैं और ये आपको सब बहुत स्ट्रेट लुक और बहुत कैजुअल लुक देती है। सेकंड, फॉर्मल शर्ट्स, एक वाइट और ब्लैक, क्योंकि ये जैसे आपको कहीं आउटिंग में जाना है, फ्राइडे नाइट आउट पर जाना है या आपको किसी कॉफ़ी डेट पर जाना है, तो आपको ये काफ़ी क्लासी और शिक लुक देती है। तो थर्ड ऑन द लिस्ट आर पैंट्स। भाई पैंट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए, भाई ऑब्वियस ही बात है। लेकिन वो कौन सी ऐसी एसेंशियल पैंट्स हैं, आइए बात करते हैं। नंबर वन पे आती है अपने नेवी ब्लू और ब्लैक डेनिम जींस, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासी भी दिखाती है और बहुत कैजुअल लुक भी दिखाती है। सेकेंड आपने आता है चिनोस ट्राउजर्स का छोटा रूप, चिनोस इस समय के गर्मी के सबसे ट्रेंडिंग पैंट्स है भाई, आपको ले लेनी चाहिए क्योंकि ये गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल रहती है और लुक तो भाई यहाँ से यहाँ दिखाती है और पब्लिक में स्टैंड आउट भी करती है। सो कमिंग टू द नंबर फोर एसेंशियल आइटम, दैट आर शूज़। शूज़ में मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वाइट स्नीकर में इन्वेस्ट कीजिए और इसमें आप क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वाइट स्नीकर एक ऐसा टाइमलेस पीस है जो सभी आउटफिट के साथ चले जाते हैं और इसमें आपको मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली बातें लगती है, लेकिन आपके स्टाइल गेम को बॉटम टू टॉप भी ले जाता है। तो इसको सबसे पहले आप खरीद के रख लीजिए, ये काफ़ी एसेंशियल है। सो कमिंग टू द नंबर फिफ्थ एसेंशियल आइटम ऑन द लिस्ट जो आपकी वार्डरोब को कंप्लीट बनाएगी, दैट आर जैकेट्स। क्योंकि गर्मियों में हम लड़कों के पास ज़्यादा कुछ ट्राई आउट करने के लिए तो रहता है नहीं, लेकिन जैसे जैसे ठंड आती है तो जैकेट से एक ऐसा सहारा बनती है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग आउटफिट बना सकते हैं और जिसको भी आपको इम्प्रेस करना कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से एसेंशियल जैकेट्स हैं, आइए बात करते हैं। नंबर वन पे आती है अपनी बॉम्बर जैकेट, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और क्लासिक जैकेट लगती है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको ठंड लगेगी क्योंकि ये जैकेट्स काफ़ी पतली होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको स्टाइल गेम को ऊपर रखना है और पब्लिक में स्टैंड आउट करना है तो बॉम्बर जैकेट आर मस्ट टू हैव। और नंबर सेकंड अपने आती है डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट आपको वो रॉ लुक देती है और आप जो इंस्टाग्राम में पिक देखते हो ना कि हाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग जो स्ट्रेट लुक रॉ लुक लेते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ इस डेनिम जैकेट की मदद से। और लास्ट में अपना आता है कैजुअल ब्लेजर। कैजुअल ब्लेजर अगर आपने ले लिया, ये भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब जैसे आपको कहीं पर जाना हुआ और आपको बहुत जल्दी आपके पास टाइम नहीं, तो फट से कोई भी आउटफिट डाले, नीचे वाइट स्नीकर्स पता है, ऊपर से ब्लेजर डालिए एंड यू आर गुड टू गो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसेंशियल आइटम ऑन दिस लिस्ट आर एक्सेसरीज, जो कि सिर्फ लड़कियों में ही पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कों में भी होती हैं भाई एक्सेसरीज, जैसे कि सनग्लासेस हो गई, रिस्ट वॉचेज हो गई, ब्रेसलेट्स हो गए, नेक चेन्स हो गए, ये सब लड़कों की ही एक्सेसरीज हैं, तो उनको आप परचेस कर लें, क्योंकि इनके बिना आपकी आउटफिट कम्प्लीट नहीं हो सकती और आपका वार्डरोब भी कम्प्लीट नहीं हो सकता है, जिसको आज ही जाके परचेस कर लीजिए। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, कर दो। अगर आपको स्टाइलिश देखना तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही फैशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं फैशन से रिलेटेड, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे अपने जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ और मैं वहाँ पर बहुत एक्टिव भी हूँ। तो जाओ फटक से फॉलो करो।